मोहम्मद हसन है। मैं इस स्कूल में एज ए जेवी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। गुज़श्ता माह दोस्ती क्लास वांग की तरफ से एक ट्रेनिंग मुनक़द की गई थी। सहरज़ा ट्रेनिंग जो हमें दी गई, इसमें हमें बच्चों के फिज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से और कहानियों के ज़रिए से बच्चों को स्कूल में लाना, मतलब इस हवाले से हमें बताया गया। तो जब ये ट्रेनिंग हमने हासिल की तो वहाँ पर हम 16 टीचर्स थे, मेल फीमेल, काफ़ी मज़ा आया। बच्चे काफ़ी मतलब खुश दिखाई दे रहे थे जब मैंने इनको पहली कहानी सुनाई। तो दोस्ती प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है। इसका सबसे बड़ा वजह इसकी ये है कि बच्चे काफ़ी खेल के शौकीन होते हैं, जिस वजह से खेल खेल में सीखने को बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। और सबसे बड़ी इसकी असरात इसका ये पड़े कि बच्चे जो है ना अब स्कूल में हाज़िरी को यकीनी बना रहे हैं। जब से ये क्लास स्टार्ट हुई है बच्चे बहुत कम ही गैरहाज़िर हो रहे हैं, अच्छी तरह से मतलब अपने स्कूल में परफॉर्मेंस को बेहतर बना रहे हैं, हाज़िरी बहुत अच्छी है बच्चों की। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो है ना प्रोग्राम मज़ीद होते रहें। ये पहला मतलब कदम है वांग की तरफ से ब्रिटिश कौंसिल ने जो उठाया। ये किट बक्स मैं समझता हूँ, ये किट बक्स नहीं है, पूरे हमारे बच्चों की ज़िंदगी का मतलब बहुत बड़ा वो है, इसमें मटेरियल मौजूद है बच्चों के, क्योंकि इस तरह के मौाक़े नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ तो ज़रात पेशा लोग हैं और बच्चों को मतलब टाइम नहीं दे पा रहे। तो बच्चे जब स्कूल आते हैं खुशी खुशी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल के भी मौाक़े मिलते हैं, और खेल में मतलब ग्रुप लीडर दूसरा मतलब चीज़ें इनको सीखने को मिलती हैं, और बड़े खुशी से गर्म जोशी से आते हैं। जब मैं सुबह पहुंचता हूं तो बच्चे मतलब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सर कब पहुंचे। दोस्ती ही में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी दिलचस्पी रहे। उम्मीद है इस प्रोग्राम को मज़ीद जो है ना जारी रखा जाएगा। शुक्रिया दोस्ती।